Good morning, students. Welcome back to the new session of learning in this lockdown period. We are discussing, this is your accounts class of class 12, and we are doing chapter number first, that is not for profit organization. In the last video, we had discussed about the subscription account. If you haven't seen that video, please go through it. Okay, in today's video, we are going to discuss about the amount of calculation of amount of material consumed. Calculation of amount of material consumed. ठीक है, तो what is this material which is being consumed? Let's first understand this. Okay. लाइक वट अगर मान लो कोई क्लब है, ठीक है, जो कि स्पोर्ट्स क्लब है, तो वट द थिंग्स विल हैपन, दे विल परचेज मटेरियल रिलेटेड विथ स्पोर्ट्स. वो लोग क्या करेंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदेंगे, ठीक है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, और एट द एंड में क्या होगा कि कुछ कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल यूज हो जाएगा और कुछ कुछ रह जाएगा. इन द सेम वे अगर आप मेडिसिन्स भी होता है खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे मटेरियल मीन्स मेनी थिंग्स कैन हैपन. मेडिसिन्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपका जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज़ों से रिलेटेड है, मान लो हॉस्पिटल से रिलेटेड है, तो वो क्या खरीदेंगे, मेडिसिन्स खरीदेंगे. तो मेडिसिन खरीदेंगे तो उसका ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है. उसी तरह से अगर आप उस मान लो, बस मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, उसको छोड़ दो, आप ये अकाउंट से बिल्कुल भी नहीं है. मान लो आपने सुबह उठा, आपने पॉकेट को चेक किया, तो वहां पे कितना था, 10 रुपीज था, ठीक है. अपने पॉकेट को चेक किया तो उसमें 10 रुपया पड़ा हुआ था. दिस इज माय ओपनिंग स्टॉक, ठीक है. फिर दिन भर में आपको कहीं से 20 रुपीज मिल गया, या फिर आपके मम्मी ने दे दिया, या फिर आपने कोई काम कर लिया, वहां पर से 20 रुपीज आपको मिल गया. तो दिस इज परचेज, मैं उसको रिलेट कर रही हूँ अकाउंट से, ठीक है. आपके पॉकेट के मनी को मैं अकाउंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले आपने सुबह उठा और अपने पॉकेट को टटोला, देखा उसमें कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो उसमें 10 रुपीज़ पड़ा हुआ था, तो वो मेरा ओपनिंग स्टॉक हो गया. फिर आपको पूरे दिन भर में क्या हुआ, 20 रुपीज़ जो है वो क्या करा आपने, कहीं से या तो अर्न किया, या तो आपकी मम्मी ने दिया, या तो आपके पापा ने दिया, कहीं से भी आ गया. दैट इज माई, वॉट इज दैट, दैट इज माई परचेजेस, ठीक है. ये परचेज या तो कैश भी हो सकता है या फिर क्रेडिट भी हो सकता है, ओके. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टॉक, ये भी आपको समझनी है, ठीक है. अब रात को जब हम आते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ 5 रुपया पड़ा हुआ है पॉकेट में, ठीक है. रात को जब हम घर वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारे पास पॉकेट में सिर्फ 5 रुपीज पड़े हुए हैं, ठीक है. तो दिस इज माई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है. और ये जो बीच के 30 रुपीज से 5 रुपीज हो गए हैं, तो कितना मैंने यूज किया होगा, 25, ठीक है. ये 25 रुपीज क्या हो गया, दिस इज सेल ऑफ स्टॉक, या फिर कंज्यूम जो हमने किया वो भी हो सकता है, या फिर जो सेल कर दिया ये भी हो सकता है, या फिर हमने कंज्यूम किया ये भी हो सकता है. तो इस तरह से हमारे पास जितने भी स्टॉक्स आते हैं, आइदर वो मेडिसिन है, तो वो मान लो हॉस्पिटल का हम लोग एनपीओ बना रहे हैं तो मेडिसिन होंगे, स्पोर्ट्स क्लब का बना रहे हैं तो स्पोर्ट्स आइटम होगा, बैट बॉल होगा, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स के वो सारे होंगे, या फिर हम स्कूल का बना रहे हैं तो स्टेशनरी बुक्स ये सब होंगे. इन द सेम वे मतलब जो अलग अलग टाइप के हैं उसी हिसाब से अलग अलग सबका मटेरियल आइटम भी होगा, ठीक है. तो ये थोड़ा सा समझने वाला चीज है, ठीक है. आज हम बस डिस्कस करेंगे इसकी फॉर्मेट और इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनाएंगे, ठीक है. तो मेनली इसके ऊपर 3 अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है. इसके ऊपर 3 अकाउंट्स बनते हैं. पहला है क्रेडिटर्स अकाउंट,
देन जो सेकंड बनता है वो स्टॉक अकाउंट जो हमने आप अभी देखा। एंड थर्ड जो बनता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसको कहाँ दिखाते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि जब हम लोग स्टार्टिंग में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज को रिलेट करेंगे, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ। एंड ये भी पढ़ा था हमने कि जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो था दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमने पढ़ा था ना कि ये दोनों सिमिलर है एंड ये दोनों सिमिलर है, बस नाम हमने चेंज कर लिया है अपनी सुविधा के लिए। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ, ये जो हमारा क्रेडिटर होता है, दिस इज क्रेडिटर्स अकाउंट, तो जो हमारा क्रेडिटर होता है वो क्या है, लाइबिलिटी है या फिर असेट्स है? तो आप तुरंत बोलोगे कि दिस इज माई लाइबिलिटी। वॉट यू विल से, दिस इज आवर लाइबिलिटी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगी कि लाइबिलिटी की कौन सी बैलेंस होती है, आप बताओ। तो आप बोलोगे क्रेडिट बैलेंस होती है, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तो व्हाट इज लाइबिलिटी की कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट बैलेंस होती है। तो हम इस अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे, वेरी सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से आप लॉजिकली इस अकाउंट्स को हैंडल करने की कोशिश करोगे। तो हमने इधर से स्टार्ट करा, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया ओपनिंग। ठीक है, और इसका क्लोजिंग बैलेंस कौन सा होगा? ऑफ कोर्स आप बोलोगे कि मैम अगर हमारा जो ओपनिंग क्रेडिट है तो क्लोजिंग क्या होगा, डेबिट होगा। तो इधर हमने लिख दिया टू बैलेंस कैरी डाउन, दिस इज क्लोजिंग। ठीक है, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई इस अकाउंट्स की। ठीक है, अब अगर हमने, ठीक है, किसी को कुछ पेमेंट करना हो क्रेडिटर को, ठीक है, क्रेडिटर को अगर कोई पेमेंट करना हो, ठीक है, तो हम क्या करोगे, कौन सा ये करोगे, जनरल एंट्री क्या पास करोगे? तो आप कौन सा पास करोगे कि स्टॉक अकाउंट डेबिट। ओके, तो इसको हम लोग ऐसा नहीं समझते हैं, दूसरी तरह से समझते हैं। ठीक है, बस मैंने यहाँ पे एक ले आया है ताकि मैं यहाँ पर रफ कर सकूँ आपके सामने। ठीक है, तो मान लो मैंने स्पोर्ट्स का आइटम खरीदा, स्पोर्ट्स आइटम्स परचेज किया मिस्टर एक्स से, तो आप इसकी सिंपल जर्नल एंट्री क्या करोगे, यही करोगे कि स्पोर्ट्स आइटम स्पोर्ट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स, यही करोगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा एडवांस तरीके से मॉडिफाई कर दूं और स्पोर्ट्स की जगह में मैं स्टॉक लिख दूं, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, और ये हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर की जगह में हमें क्रेडिटर लिख दूं, तो आप बिल्कुल भी ओके रहेंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमने ये जर्नल एंट्री पास कर दिया। ठीक है, तो इसके अब हम लेजर में पोस्टिंग कर देंगे तो क्या हो जाए, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट में क्या करेंगे आप, बाय स्टॉक अकाउंट लिख दोगे, और नीचे में क्यों लिखेंगे, इसका डिटेल लिखोगे, डिटेल में क्या करोगे आप, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का मतलब, जब भी हम लोग यहाँ पे देखो नाम यूज किए थे, नाम यूज करने का मतलब ही होता है कि हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, वरना हम कैश लिख देते। ओके, तो देखो सिंपल सी आइटम मैं समझा रही हूँ कि स्पोर्ट्स आइटम परचेज किया मिस्टर एक्स से, तो आप क्या लिखोगे, सिंपल स्पोर्ट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स। इसको जरा सा हम मॉडिफाई कर दिए, स्पोर्ट्स की जगह में लिख दिए स्टॉक, एंड ये जो एक्स है जिससे हमने उधार खरीदा था, इसकी जगह में हम लिख दिए क्रेडिटर। तो हमारा ये हो गया एंट्री, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, तो इसको हम बस क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। पोस्ट क्या कर दिया हमने कि स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये क्रेडिटर्स हमारा है, क्रेडिटर्स अकाउंट हम बना रहे हैं और क्रेडिटर्स क्रेडिट की तरफ में है, तो हमने स्टॉक अकाउंट डेबिट कर दिया। ठीक है, स्टॉक को क्रेडिट में डाल दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट थिंग।
तो हमने क्या कर लिया, क्रेडिट परचेज भी कर लिया। अब हम इसको पेमेंट करेंगे इस पर्सन को। तो पेमेंट करते समय मान लो मैं करूँगी एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने यही करते थे ना हम हमेशा, जो नाम लिखते थे जिसको देना था उसको कैश पे कर लेते थे। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक्स की जगह में लिख देंगे हम क्रेडिटर्स। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्या कहा था कि हम क्या करते हैं, कैश की जगह में कौन सा अकाउंट यहाँ पे यूज करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आपको कोई पेमेंट कोई भी प्रॉब्लम होगी? जी नहीं, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और यहाँ पे लिख दोगे पेमेंट टू क्रेडिटर। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। और अगर मान लो मैंने क्रेडिटर को एडवांस पेमेंट करा, मैंने क्रेडिटर को एडवांस पेमेंट करा, तो जो भी आप एडवांस पेमेंट करते हैं वो क्या है आपके लिए, असेट्स है या फिर लाइबिलिटी है? तो ऑफकोर्स दैट इज असेट फॉर यू। एडवांस जो हम लोग पेमेंट करते हैं वो क्या होता है आपके लिए, असेट्स होता है। तो असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो हम लोग इस तरह लिख देंगे टू एडवांस टू सप्लायर। अगर हम जिससे गुड्स ले रहे हैं उसको बोलते हैं सप्लायर, उसको हमने अगर एडवांस दिया तो यहाँ पे हम लिख देंगे एडवांस टू सप्लायर। ठीक है, और ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। इसका सेम हम क्लोजिंग बैलेंस कर लेंगे, बाय एडवांस टू सप्लायर। ठीक है, दिस इज माय क्लोजिंग बैलेंस। और इस तरह से हमारा ये जो है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे हिंट के लिए लिख देती हूँ कि ये क्या होता है, हमारा असेट्स होता है, इसीलिए हम उसको उधर लिख रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको सारे आइटम्स मिले जब आप बना रहे हो। ठीक है, बट मैंने आपको एक्सप्लेन करते समय पूरा एक्सप्लेन किया है ताकि आप अगर मिल जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टॉक अकाउंट। सबसे पहले तो आपको स्टॉक यहाँ दिखाई दे रहा है, उसको आप यहाँ पे ट्रांसफर कर लो। ओके, दैट इज क्रॉस एंट्री जो हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो का जो स्टॉक है वो आप सीधे यहाँ पे ले आओ। ठीक है, तो क्या क्या नाम से लाओगे, क्रेडिटर के नाम से लाओगे, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि स्टॉक आपका क्या है, स्टॉक आपका असेट्स है। असेट्स है तो इसका बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। ठीक है, सेम वे इसका क्लोजिंग क्या होगा, क्रेडिट होगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। ठीक है, तो इधर हमने लिख दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं, कुछ स्टॉक सेल भी करेंगे। तो इधर आ जाएगा बाय सेल ऑफ स्टॉक अकाउंट। अब जो हम लोग सेल करते हैं उसका यहाँ पे हम बुक वैल्यू लिखते हैं। बुक वैल्यू मतलब मान लो मेरा असेट्स 10,000 का है तो हम उसको सेल 15,000 में करते हैं, तो हम यहाँ पे 10,000 लिखेंगे बुक वैल्यू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लिख देंगे 15,000, दैट इज माई मार्केट वैल्यू, बट आई एम सेलिंग द गुड्स इन 10,000, तो 10,000 इज माई बुक वैल्यू। आई विल राइट हियर बुक वैल्यू। ओके, और उसको जो हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट करते हैं तो आपको उस कैश अकाउंट आएगा उसमें। अब उस कैश अकाउंट की जगह में हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूज करते हैं, तो उसको हम इधर लिख देते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मान लो क्रेडिटर होगा तब तो उधार में खरीदा होगा तब तो ये अकाउंट ही सिर्फ आएगा, बट अगर हमने उसको कैश ये किया है, परचेज किया है, तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट को इंक्लूड करेंगे, दैट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को इंक्लूड करेंगे। और ब्रैकेट में मैं डिटेल लिख रही हूँ कैश परचेजेस। ओके, ठीक है, और यहाँ पे हमने कितना कंज्यूम किया, मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था ना कि 25 रुपया हमने कंज्यूम कर लिया, कि जितना भी हम कंज्यूम करते हैं, ये देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि
सुबह उठा तो मेरे पास पॉकेट में 10 रुपया था, फिर मैंने पूरे दिन भर में कहीं से 20 रुपीज ले लिया, और रात को देखा कि मेरे पास सिर्फ 5 रुपये बचे हैं, तो 25 रुपया मैंने क्या कर लिया, यूज कर लिया, दैट इज कंज्यूम कर लिया। जो हम कंज्यूम करते हैं वो यहाँ पे आता है बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, हम उसको क्या कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आता है, उसको हम लिखेंगे कंज्यूम्ड पार्ट, कंज्यूम्ड पार्ट, और फिर यही कंज्यूम्ड पार्ट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रॉस सेंड कर देते हैं टू स्टॉक अकाउंट। अब आपको पता चला कि यहाँ पे रिसिप्ट एंड सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा पार्ट आता है, जो हमने कंज्यूम कर लिया है सेम वो पार्ट यहाँ पे आता है। ओके, दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विथ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे काम।